और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। विकास दुबे गैंग के दो और साथी एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। प्रभात मिश्रा और बौवा शुक्ला उनका नाम है जो एनकाउंटर में मारे गए हैं। इटावा में विकास का साथी बौवा शुक्ला ढेर हुआ है, उस पर 50,000 का इनामी बदमाश था। ये बौवा शुक्ला मारा गया है कानपुर के पंथी इलाके में, ये मारा गया है। और आपको बता दें कि प्रभात मिश्रा जिसे कल पुलिस हिरासत में लिया गया था उसने भी भागने की कोशिश की प्रभात ने, और कल फरीदाबाद से उसे पकड़ा गया था जिसका उसका भी एनकाउंटर कर दिया प्रभात मिश्रा का, क्योंकि प्रभात मिश्रा पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था और फिर स्थितियां ऐसी बनी कि पुलिस को उसका भी एनकाउंटर करना पड़ा। तो बड़ी जानकारी आ रही है, प्रभात मिश्रा बौवा शुक्ला इन दोनों का एनकाउंटर किया गया है और ये दोनों ही विकास के साथी थे। ये वो लोग थे जो विकास के हर अपराध में विकास का साथ देते थे। हालांकि जो बौवा शुक्ला है उस पर तो 50,000 का इनाम भी बाकायदा घोषित किया गया था। विकास दुबे का साथी है रणबीर उर्फ बौवा शुक्ला जो ढेर हुआ है हाईवे पर, ढेर हुआ है, कार लूट कर फरार होने की कोशिश कर रहा था जिस वक्त उसे पुलिस ने ढेर किया। कानपुर में पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की प्रभात मिश्रा ने जिसे कल गिरफ्तार किया गया था उसका भी एनकाउंटर किया है, फरीदाबाद से उसे पकड़ा गया था और फिर जब उसे ले जाया जा रहा था तब उसे ढेर किया गया। ये देखिए तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीरें दरअसल बता रही हैं बौवा शुक्ला का जब एनकाउंटर हुआ तो क्या स्थितियां थी। साथी है रणबीर उर्फ बौवा शुक्ला विकास का, हाईवे पर कार लूट कर फरार होते वक्त उसका एनकाउंटर किया गया। विकास के तीन साथी भागने में हालांकि कामयाब रहे हैं। सिविल लाइंस इलाके में हुई मुठभेड़, आपको बता दें कानपुर के आईजी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मोहित अग्रवाल जी। मोहित अग्रवाल जी बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे बौवा शुक्ला का भी एनकाउंटर हुआ है, क्या जानकारी आ रही है कि क्या हुआ था, क्या स्थितियां बनी थी? देखिए ये प्रवीण दुबे उर्फ बौवा दुबे नाम का अपराधी है जिसकी पहचान हुई है, ये इसी बिकरू गांव का रहने वाला था और ये जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उस FIR में नामजद केस के ऊपर रिवार्ड था। इसी के घर फायरिंग, ये आज पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इसका एक अन्य साथी जो प्रभात था इसको भी कानपुर नगर में पुलिस मुठभेड़ में ये भी मारा गया है। इस प्रकार गैंग के 5 अपराधी मारे जा लगभग अपराधी जा चुके हैं, तो लगातार पुलिस टीम में अपना काम लोग है जी। हम लोग अतिशीघ्र गिरफ्तार करेंगे। ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि ये जो कानपुर में घटना हुई थी 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, क्या ये दोनों साथी उस वक्त विकास के साथ थे और कैसे विकास का ये साथ दे रहे थे उसके अपराध में? देखिए ये जो प्रभात मारा गया है इसके पास से 4 पिस्टल्स कल फरीदाबाद में रिकवर हुई थी जिसमें पुलिस की 2 लूटी हुई पिस्टल्स भी इसके पास से बरामद हुई थी जी। इसी प्रकार से ये जो दूसरा अपराधी आज मारा गया है इटावा जनपद में, ये जहाँ पर घटना स्थल पे इसका घर है और इसके घर की छत से इसके द्वारा और इसके विकास दुबे और अन्य साथियों के द्वारा फायरिंग की गई थी। इसके साथ में वो राइफल भी बरामद हुई है जिस कारतूस घटना स्थल पर मिले थे और जिससे वो राइफल भी इस बदमाश से मिली है। ठीक है सर, विकास के बारे में क्या जानकारी मिल रही है कि अभी उसकी लोकेशन कहाँ की है, क्योंकि अभी तो जो सुखबुगाहट है जो विकास पर अभी काम चल रहा है, टीमें हमारी लगी हुई है और बहुत जल्दी जो है इसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो क्या नोएडा और आसपास के इलाके में है विकास? इसका समाचार आपको अतिशीघ्र दिया जाएगा जब इस पर हमको सफलता मिल जाएगी। इसकी वर्तमान लोकेशन क्या है ये अति गोपनीय है विभाग में और जो टीम है केवल उसी को, जो टीम इसका काम कर रही है। ठीक है सर, हम समझते हैं आप जो कह रहे हैं, हम समझ गए बिल्कुल, लेकिन कितनी टीमें लगी हैं विकास को पकड़ने के लिए और कितने राज्यों तक ये पूरा जाल बिछाया गया है? देखिए पूरा काफी टीमें लगी हैं, एसटीएफ की टीमें भी लगी हैं और हमारी टीमें भी लगी हैं, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, अन्य प्रदेशों की मदद भी ली जा रही है, वहाँ की पुलिस भी सहयोग कर रही है, तो सभी एजेंसी मिलकर के काम कर रही है और बहुत जल्दी जो है इस पर भी सफलता मिलेगी। लेकिन मोहित जी दिक्कत कहाँ हुई, 150 घंटे बीत चुके तो हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन
आपको बता दें कि आईजी मोहित अग्रवाल का ये कहना था कि हम जल्द ही विकास को भी पकड़ लेंगे, चूंकि हमें सफलता मिल जाएगी। जो लोकेशन थी विकास की, उसके ऊपर बताने से उन्होंने इनकार कर दिया, चूंकि ये पूरा सुरक्षा का मामला है। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज एशन संवाददाता अमित सिंह भी जुड़ गए हैं, सीधे अमित का रुख करते हुए। अमित, दो बड़े एनकाउंटर हुए हैं विकास के साथियों के, उस पर मैं आऊं, लेकिन सीधे पहले सवाल विकास दुबे के बारे में पूछ लेती हूं। क्या सुगबुगाहट, क्या खबरें, क्या लोकेशन? देखिए, विकास दुबे को लेकर पुलिस को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है, हमारी भी अधिकारियों से बात हुई है, लेकिन उन लोगों ने कहा है कि ये पूरा जो ऑपरेशन है विकास दुबे को लेकर, इसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, इसलिए अभी उस पर ज़्यादा जानकारी उन्होंने देने से इनकार किया है। लेकिन जिस तरह एक दो दिन से लगातार उसके लोकेशन की जानकारी मिल रही थी, सीसीटीवी फुटेज में दिखा था कि एक विकास दुबे जैसा शख्स फरीदाबाद में देखा गया था, उसके साथियों को पकड़ा गया, उसके साथियों से पूछताछ लगातार की गई, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ पुलिस को मिली है, लेकिन अभी पुलिस कुछ शेयर करने से इनकार कर रही है। हम भी समझते हैं इस चीज को, क्योंकि एक बहुत ही खुफिया ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन जिस तरह लगातार दिन ब दिन प्रभास जो विकास दुबे है उसके साथियों पर लगातार शिकंजा कस रहा है, एक एक करके उसके साथी या तो ढेर हो रहे हैं या तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस अब सफलता की ओर बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह लगातार अब तक पांच लोग, यानी पांच विकास के सबसे करीबी साथी जो उस दिन वारदात में मौजूद थे, उनको पुलिस ने मार गिराया है, तो ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। अमित, मैं बहुआ पे भी आऊंगी, प्रभात की बात भी करूंगी। काफ़ी असलहे बरामद हुए थे और उसी क्रम में आज रिमांड पर ला करके जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ बरामदगी हेतु लाया जा रहा था, जिसमें क्राइम ब्रांच और कई थानाध्यक्ष कानपुर नगर पुलिस एसटीएफ के साथ आ रही थी, और जैसा कुछ गाड़ी खराब हुई है उसका फ़ायदा उठा करके उसने जो है पुलिस पार्टी पर जो है पिस्टल छीन करके जो है फायर करने की कोशिश की, और इस क्रम में कहते हैं मुठभेड़ में ये प्रभात मिश्रा घायल हुआ और जो बाद में मृत घोषित किया गया है, और इस मुठभेड़ में हमारे दो जाबाज एसटीएफ के जवान घायल हुए हैं और कुछ हमारे अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, और आज इटावा जनपद में भी एक पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसमें 50,000 के इनामी प्रवीण उर्फ बउआ दुबे वो भी मुठभेड़ में मार गिराया गया है। सर, ये कहाँ से ला रहे थे और क्या ये विकास दुबे के जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें भी प्रभात का नाम था? देखिए, दोनों का, ये जो प्रभात मिश्रा की बात कर रहा हूँ और ये जो आपको प्रवीण उर्फ बउआ दुबे, ये दोनों उसी लिस्ट में, एक 25,000 का इनामी और दूसरा जो है 50,000 का जो है इनामी, और ये जो प्रभात मिश्रा है इसके साथ तो जो हमारी लूटी हुई पिस्टल थी फरीदाबाद पुलिस ने जाते हैं, उनको भी दोनों को जो है बरामद किया था। कहाँ से ला रहे थे इसको रिमांड के लिए? जैसा बताया कि गिरफ्तार जो है इनकी गिरफ्तारी फरीदाबाद में की गई थी, वहाँ से ये अपना जाते हैं हमारी एसटीएफ की यूनिट और यहाँ लोकल कानपुर नगर की पुलिस ला रही थी। जो प्रवीण का सर प्रकरण क्या है, वो उसको कहाँ से ला रहे थे, उसका कैसे इनकाउंटर हुआ है? देखिए, वहाँ पर आज लगभग 3 बजे करीब एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, 4 बदमाशों ने वादी को घायल करके जाते हैं लूट लिया था, और इस क्रम में जाते हैं वहाँ के एसएसपी साहब ने, हम लोगों ने सभी ने सघन चेकिंग प्रारंभ की, और सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पास जाते हैं एक मुठभेड़ हुई जिसमें 3 बदमाश जो है अधेय का फायदा उठा करके भाग गए, और एक बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ था जो कि अस्पताल में जाकर मृत घोषित हुआ, और वहाँ पर उसकी शिनाख्त प्रवीण उर्फ बउआ दुबे के रूप में हुई है। ये 50,000 का इनामी बदमाश था। कानपुर के पनकी इलाके में मारा गया प्रभात मिश्रा। आपको बता दें कि दो साथी विकास के मारे गए हैं। अभी अभी जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक प्रभात मिश्रा ने पहले पुलिस की राइफल छीन के पुलिसकर्मी जो जिन पुलिसकर्मियों की वो हिरासत में था उन्हीं पर ही फायर करने की कोशिश की, और फिर गुत्थम गुत्था हुई, और फिर उस गुत्थम गुत्था में प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर हो गया, वो मारा गया। और जो दूसरी खबर है बउआ के बारे में वो ये कि 50,000 का इनामी बदमाश था, रात के वक्त वो एक गाड़ी को लेकर फरार हो रहा था, किसी की गाड़ी को लेकर फरार हो रहा था, उनको पकड़ कर बाहर निकाल कर। लेकिन इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है विकास दुबे को लेकर, ये बहुत बड़ी खबर आई है इस वक्त। आपको बता दें नोएडा में विकास दुबे की तलाश में छापेमारी की जा रही है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। विकास के नोएडा में छिपे होने की खबर के बाद अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने रात भर सख्त चेकिंग की, निगरानी रखी, फिल्म सिटी के आसपास पुलिस का कड़ा पहरा है। चूंकि खबर यह आ रही थी कि वो कैमरे के सामने सरेंडर करने की फिराक में था, चूंकि फिल्म सिटी में बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं और हो सकता है कि किसी स्टूडियो में जाकर वो कैमरे के सामने सरेंडर करे, उससे पहले ही जो ये खबर नोएडा पुलिस को मिली और नोएडा पुलिस सचेत हुई और
फिल्म सिटी के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और साथ ही साथ जितने भी नोएडा के एंट्री पॉइंट है वहां पर जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं ऐसे ही चेकिंग की जा रही थी। हर गाड़ी जो अंदर आ रही थी नोएडा के अंदर या बाहर जा रही थी हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है, पैनी नजर यूपी पुलिस की। और लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कानपुर में आज पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे नोएडा में छिपा हुआ है। यह खबर मिलते ही नोएडा पुलिस हाई अलर्ट पर है। कल दोपहर से ही नोएडा में सख्त चेकिंग की जा रही है। रात भर नोएडा पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की और पीसीआर वैन भी सतर्क रही। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि विकास दुबे नोएडा में है और वो कैमरे के सामने या फिर न्यूज स्टूडियो में सरेंडर करने की फिराक में है। खाकी के खूनी की उल्टी गिनती शुरू। विकास दुबे के सिर पर 5 लाख का इनाम। सीसीटीवी में कैद हुई विकास की तस्वीर। अब जेल की सलाखों को गैंगस्टर का इंतजार। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे इस समय उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित हो चुका है। अब उस पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। इससे पहले 2.5 लाख रुपए का इनाम उस पर पुलिस ने घोषित किया था। और एसटीएफ और विकास में लगातार आंख बिचौली का खेल चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि एसटीएफ विकास के बेहद करीब थी लेकिन फरीदाबाद में महज 10 मिनट के अंतर से विकास मौके से भाग निकला। एसटीएफ की और उत्तर प्रदेश पुलिस की 100 टीमें लगातार विकास के लिए पूरे प्रदेश के साथ आसपास के प्रदेशों में भी दबिश दे रही हैं। कानपुर के बिकरू गांव में डीएसपी समेत पुलिस के 8 जवानों की हत्या करने वाला 5 लाख रुपए का इनामी विकास दुबे मंगलवार को पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। लेकिन हत्यारे विकास की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। फरीदाबाद के बड़खल मोड़ पर मौजूद ओयो होटल के सीसीटीवी में कैद संदिग्ध को पुलिस विकास दुबे ही मान रही है। गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर के राव ने ऑडियो जारी कर बॉर्डर एरिया पुलिस को एहतियात बरतने का आदेश दिए हैं। ये विकास दुबे की फोटो है, ये किसी होटल में फरीदाबाद में सर्च चल रही है और ये हमारे एरिया में एंटर कर सकता है। इसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं, ये टैक्सी या 3-व्हीलर इस तरह की किसी गाड़ी में आएगा, हल्का सा लंगड़ा के चल रहा है। तो सभी बॉर्डर एरिया पे इधर उधर ये नज़र रखें, इसकी जो जितना फैट है इसके अंदर और उससे सारा पता लग रहा है, निकलना नहीं चाहिए। ये विकास दुबे वही है जिसने यूपी के अंदर वो 8 पुलिस कर्मचारी हमारे मारे हैं। कानपुर में पुलिस वालों के हत्याकांड के 5 दिन बाद पहली बार भगोड़े विकास दुबे की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ऑन ड्यूटी पुलिस वालों की जान लेने वाला हत्यारा किस तरह जान बचाने के लिए मारा मारा फिर रहा है। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे कानपुर से फरार होकर लखनऊ पहुंचा। पुलिस विकास दुबे की तलाश में कानपुर, औरैया, ग्वालियर, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद में छापेमारी कर रही है। यूपी पुलिस ने साफ कर दिया है कि कानपुर में विकास दुबे की गोलियों से शहीद हुए पुलिस वालों के किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसके मुख्य अपराधी है उसके खोजने में लगी है और इसको कानून के शिकंजे में हम ले जाएंगे और हमारे जो जवानों ने शहादत दी है वो बेकार और व्यर्थ नहीं जाएगी और ऐसे सभी अपराधियों को सही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। एक तरफ पुलिस विकास दुबे को दबोचने के बेहद करीब है तो दूसरी तरफ विकास के काले कारनामों और साजिशों को खोदने में जुटी है खाकी। पुलिस विकास दुबे के गांव में उन हथियारों को खोजने के लिए पहुंची जिनसे विकास और उसके गुर्गों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। सीसीटीवी में कैद विकास दुबे की ताजा तस्वीरों में वो लंगड़ाता हुआ नजर आया। विकास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर भाग रहा है, होटल छिपकर करीबियों तक पहुंचने के लिए तड़प रहा है विकास दुबे, और हर बीतते वक्त के साथ विकास दुबे और उसके गुर्गों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। खुद भगोड़े विकास को भी पता है कि उसने खाकी पर हथियार चलाकर अपनी मौत मुकर्रर कर दी है और अब उसका कानून के हाथों बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन।